8 दिन की मलाई से हमने 3 चीज़ें बनाई हुई हैं। 8 दिन की मलाई थी, उससे 1 लीटर ये देखिए देसी घी हमारा निकला हुआ है। ये हमारे लड्डू, इसमें मेथी दाना पड़ा हुआ है, काजू बादाम पड़ा हुआ, बहुत ही टेस्टी लड्डू हमारे बन करके तैयार और बहुत ही फ़ायदेमंद भी हैं। और देखिए ये पनीर है, चाहिए तो आप इसकी सब्जी बनाइए या आप इसको तल करके काली मिर्च काला नमक डाल करके खाइए। हेलो दोस्तों, मैं प्रेमता अग्रवाल, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई से देखिए घी। इसके लिए ये हमने 8-10 दिन मलाई हमने फ्रिज में रख ली है और इससे बहुत आसानी से हम घी बनाएंगे। आप देखें ना, हमने ले लिया है और इस भगोने में इस पूरी मलाई को हम डाल देंगे। मलाई हमने देखिए इस भगोने में पलट लिया है। अब एक कलछुली भर करके इसमें हम दही डाल देंगे और दही डाल करके पूरी मलाई में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 4 घंटे के लिए ढक करके इसी तरह से रख देंगे। अब देखिए हमने ये 4-5 घंटे के लिए इसको बाहर रख दिया था अच्छी तरह से। हमारा ये दही की तरीके हो गई है पूरी मलाई। अब इसको इसी तरह से 5 मिनट तक हम बस इसी कलछली से हम 5 मिनट तक इसको इस तरह से फेंटेंगे, देखिएगा पूरा मक्खन ऊपर आ जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से, कोई झंझट नहीं है और बिल्कुल आसान तरीके से, ना ज़्यादा बर्तन ख़राब होगा और ना कोई ज़्यादा झंझट है। हमने इस तरह फेंटते हुए अब इसमें ये बर्फ के टुकड़े हमारे पास हैं, अब इसको हम डाल देंगे और इनको डाल करके भी हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। गर्मी का टाइम है, बहुत उमस है, इसलिए ठंडा पानी की ज़रूरत है, ठंडी चीज़ों की, बर्फ़, जैसे हमने बर्फ़ डाला है या आप ठंडा पानी डाल दीजिए। अगर ठंडी का टाइम है तो फिर गर्म पानी डालिएगा। अब इसको बस ऐसे फिर करिए 2-3 मिनट तक, पूरे 5 मिनट का टाइम लगेगा, 2 मिनट उधर हमने किया है, अब 2 मिनट फिर हमें इस तरह से करना है। ये पानी अलग हो गया है और मक्खन हमारा देखिए बिल्कुल अलग हो गया है, ना मथानी की ज़रूरत है ना मिक्सर की ज़रूरत है। इस तरह से निकालेंगे तो बिल्कुल आसानी से मक्खन हमारा निकल आएगा, ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं हुए हैं। देखिए इस तरह से मक्खन अलग हो गया है और दही हमारा अलग हो गया है। अब इसको आप इस तरह निकाल लीजिए, सारा मट्ठा अलग हो गया है और मक्खन हमारा ये अलग, देखिए कितने आसानी से मक्खन निकल आया है। देखिए मक्खन कितनी आसानी से पूरा अच्छी तरह से मक्खन निकल आया। ये 8 दिन की हमारी मलाई थी, इससे 1 किलो के करीब देखिएगा घी निकला। इस तरह से कढ़ाई में सारे मक्खन को हम पलट देते हैं। सारे मक्खन को हमने कढ़ाई में डाल लिया है और इसमें बिल्कुल ठंडा पानी है, वो ठंडा पानी भी हम थोड़ा सा डाल देंगे और मक्खन को अच्छी तरह से धुल लेंगे, जिसमें इसमें थोड़ा बहुत जो मट्ठा बचा है वो भी हमारा सब निकल जाए। इस तरह से धुल लेंगे, इस तरह से आप भी बनाएंगे तो बहुत आसानी से घी निकलेगा और ज़्यादा घी निकलेगा और ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। देखिए हमारा मक्खन अच्छी तरह से धुल गया है। अब इसको जो है इसका जो सारा मट्ठा जैसा पानी जो निकला इसको भी हम इसी में डाल देंगे और इस मक्खन को गैस पे चढ़ा देते हैं, अच्छी तरह से पकाएंगे, पका करके इसमें से घी निकालते हैं। बिल्कुल फुल रखेंगे और ये मक्खन जो है हमने कढ़ाई में डाल करके गैस पे चढ़ा दिया, अब इसको फुल गैस पे पकने देंगे। हमने दूसरी तरफ की भी गैस जला ली है और ये मट्ठा जो हमारा बचा था इसको हमने दूसरी तरफ गैस पे रख दिया है, इसको उबलने देंगे और इससे हम पनीर बनाएंगे, ये भी बेकार नहीं जाएगा और हमारा घी भी, मक्खन से घी निकल आएगा और मट्ठे से आपको हम पनीर बनाकर दिखाते हैं। गैस को फुल गैस पर ये जो है भगोना आप जिसमें मट्ठा है इसको रख दीजिए और उबलने दीजिए। देखिए मक्खन हमारा पूरा अच्छी तरह से देखिए मेल्ट हो गया, गैस को फुल रखेंगे और फुल गैस पे ऐसे चला करके हम इसको पकाएंगे। इधर मट्ठे को भी हमने फुल गैस पे चढ़ा रखा है, अभी 2 मिनट बाद देखिएगा इसमें से फर्स्ट क्लास पनीर। जब घी हमारा उबलने लगे तो इसको दानेदार बनाने के लिए देखिए घी हमारा दिखाई पड़ रहा है इस तरह से, जब हो जाएगा उबलते उबलते तब हम इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। इससे क्या है हमारा घी बहुत ही दानेदार बनेगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास दानेदार घी जैसे बाजार का बनता है उस तरह से बनेगा। देखिए इधर हमारा पनीर भी निकल करके तैयार है, देखिए इस तरह से पनीर हमारा तैयार हो गया है। इसको हम किसी छन्नी से या किसी कॉटन के कपड़े से छानते हैं, इसका पानी अलग कर लेते हैं और पनीर पनीर अलग निकाल लेते हैं। एक कटोरे पे हमने कपड़ा बिछा लिया, अब इस तरह से हम डालेंगे
इसका पानी नीचे हो जाएगा, जो पनीर इसमें हमारा है ये सारा ऊपर हो जाएगा। ये देखिए प्लेट ले लीजिए, प्लेट में सारा पनीर जो है हमने इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल दिया है। ये देखिए हमारा पनीर कितना बढ़िया बन करके तैयार है, बिल्कुल बाजार के तरीके देखिए पनीर हमारा बन करके तैयार है। इसको आप सब्जी में या आप ऐसे भी किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए पनीर हमारा बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास बन करके तैयार है। इस तरह से आप भी बनाइएगा तो घी भी निकलेगा और कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाएगी। और इसका जो पानी बचा हुआ है, इसमें जो ये पानी बचा हुआ है इसको आप आटे सानने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ही सॉफ्ट आटा आपका सन करके तैयार होगा। ये देखिए घी हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है खुरचन देखिए नहीं निकली है। इस तरह से आप बनाएंगे तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाएगी और घी भी ज़्यादा निकलेगा। अब इसको आप थोड़ा और पका लीजिए जिससे ये हल्का हल्का जो वाइट पन है ये ख़त्म हो जाएगा, तो घी हमारा अच्छे से पक जाएगा और सौंधा सौंधा टेस्ट भी आने लगेगा। इसको पकाने में हमको पूरे 5 मिनट के केवल समय लगे हैं। 5 मिनट के अंदर ये घी हमारा बन करके तैयार हो गया। इस प्रकार से आप भी बनाइएगा। हमारा बन करके रेडी है। अब देखिए हम गैस को बंद कर देते हैं और इसी तरह से गैस पे इसको ठंडा होने देंगे। देखिए हमारा घी बन करके बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसको हम छान कर रख लेते हैं। इस बर्तन में भी छानना आप छान सकते हैं। हमने एक ये देखिए कांच का कटोरा ले लिया, इसके ऊपर एक छन्नी रख ली है और घी को ऐसे धीरे धीरे इस तरह से हम डालते हुए पूरे घी को छान लेंगे। हम खूब अच्छी तरह से दबा दबा के सारे घी को निकाल लेंगे। आप चाहें तो ये जो करौनी बची है इसमें थोड़ी चीनी मिला दें और मेवे मिला दें, उसके लड्डू बना सकते हैं। चाहें तो आप चीनी मिला करके पेड़ा बना सकते हैं। नीचे का इस तरह से बचा हुआ है इसमें 1 चम्मच ये चीनी हम डाल देते हैं। ये बूरा चीनी है, इसको अच्छी तरह से हम मिला देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको खूब अच्छी तरह इस तरह मिला देंगे और थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसका हम लड्डू बनाते हैं। ये देखिए 4-5 काजू हैं और 4-5 बादाम हैं, इसको काट करके हम इसी में अच्छी तरह से मिला देंगे। 1 इलायची है, इसको भी हरी इलायची है, इसको भी कूट लेंगे, कूट कर डाल देंगे। लड्डू बना लेते हैं, ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद इस तरह से आप लड्डू बना लीजिए। 8 दिन की मलाई से हमने 3 चीज़ें बनाई हुई हैं। 8 दिन की मलाई थी उससे 1 लीटर ये देखिए देसी घी हमारा निकला हुआ है। ये हमारे लड्डू, इसमें मेथी दाना पड़ा हुआ है, काजू बादाम पड़ा हुआ, बहुत ही टेस्टी लड्डू हमारे बन करके तैयार और बहुत ही फ़ायदेमंद भी हैं। और देखिए ये पनीर है, चाहिए तो आप इसकी सब्जी बनाइए या आप इसको तल करके काली मिर्च काला नमक डाल करके खाइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।